Hi, hello, and assalamu alaikum. Welcome to another episode of your favorite The Couple Show Season 2. All right, जी. कभी-कभी ऐसा होता है कि मेहमान ही कुछ ऐसे होते हैं कि उनके आने के बाद हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारे गानों का चॉइस बदल जाता है, और बैंड जब अच्छा बजाता है तो बहुत सारी तालियां बजाने का दिल करता है उनके लिए. All right, so with that, without any further ado, इससे पहले कि मेरे साथ वो फड्डा, मैं बुलाता हूं उनको जो है मेरी जान. So please welcome the one and only my co-host, Hina Altaf. Assalamualaikum everybody. Assalamualaikum Aga. How are you? I'm good. And how you are you? I'm good. And you look very nice today. Thanks so much. And how do I look? You look very nice. Thank you so much. Yes. So yes, everybody, you're watching The Couple Show Season 2. So aaj Aga, hamare paas kaun sa dhamakedar celebrity couple hai? Yaar, ye bahut dhamakedar hain. You know, kyunki maine inke sath kaam kiya hai. सीरियस काम भी किया है और कॉमेडी भी किया है. सो शी इज वेरी फन लविंग, बहुत अच्छी है और बहुत धमाकेदार खानदान से भी. बहुत धमाकेदार खानदान से. एक्चुअली इनके वालिद के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारी कोई खास औकात है नहीं उनके बारे में बात करने की, बिकॉज ही इज यू नो वन ऑफ दोज लेजेंड्स दैट वी हैव, जिन्होंने फिल्में की तो नंबर वन पे रहे, टेलीविजन पे आए तो अपनी कैटेगरी में नंबर वन पे रहे, एंड फिर उनके जो भाई हैं जो हमारी मेहमान हैं वो भी, क्या बात है उनकी, बहुत लड़कियां मरती हैं उन पे. और लेकिन मैं बात करूंगा आज स्पेशली उनके बारे में, क्योंकि मैं बहुत ही फखर महसूस करता हूँ ये कहने में दैट शी इज अ फ्रेंड, शी इज अ वेरी 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 गुड, वेरी हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट, उसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन माँ और एक बहुत ही बेहतरीन बीवी. ये सवाल पूछूंगा मैं उनके हस्बैंड से. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आगा हमें ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, बुलाना चाहिए हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट को. जी, तो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त मोमल और नादिर. तुमने तो इतनी तारीफें कर दी है आगा. आई मीन इट. सो थैंक यू सो मच. मुझे भी मेरे ख्याल से एक शो होस्ट करना पड़ेगा, इतनी तारीफें जैसे हमारी तारीफें. जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में भी कहा था कि नादिर भाई सर से पैर तक लगते हैं कि ही इज फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड. सो ये एंटरटेनमेंट की फील्ड और कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, ये सब एक साथ हुआ कैसे? पहले तो ये बता, सर से पैर तक कैसे? I mean, मैं actually कहने वाला था कि जब भी हम मिले अभी backstage, तो जब नादिर को मिलता है तो एक vibe आ जाता है कि you know, नादिर कोई बहुत ही काम माम वाला बंदा है, you know, he's all about numbers, yes, you know, he has an office और इसका वो वाला काम होगा. और मोमल को देखते ही पता लग जाता है कि यार ये फनकार है. मोमल को देखते ही पता चल जाता है कि मेरा 10 बजे का call time है, please मुझे जाना है. तो ये दो बेहतरीन लोग जो हैं, ये कैसे मिले, कैसे एक कैसे हुए, ये हमारा ऑडियंस का सवाल है भाई, हम नहीं पूछते. yes. लेकिन कैसे हुआ ये किसने किया है? एक्चुअली शादी से पहले ना नादिर काम कर रहे थे, ना मैं काम कर रही थी, ना मैं इस फील्ड में थी. ही वाज स्टडीइंग एंड ही वाज इन लंदन, एंड मैं इवेंट्स उस वक्त कर रही थी. आई वाज वर्किंग फॉर एन इवेंट प्लानर, तो मैं वहां पे थी. एंड नादिर की भाई और नादिर की बहन मेरे दोस्त हैं. ही वाज नेवर अराउंड, ही वाज स्टडीइंग इन लंदन. तो ये आए हुए थे अपनी बहन की शादी पे. ओहो. तो बस वहाँ डांस प्रैक्टिसेस और फिर ओहो. डांस प्रैक्टिसेस में मुलाकात हुई. सो नादिर भाई, वाज इट दिस लव एट फर्स्ट साइट? ये मुझे दोनों से जान, लंदन में पढ़ रहा था. लव एट फर्स्ट साइट थोड़ा मुश्किल था, बट हो गया था. ओके, स्टार्ट हो गया. ये भाई लंदन में पढ़ने वालों को लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता यहाँ पे? उस एज में जब आप लंदन पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है. ओके, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है. और आपका क्या कहना है इस बारे में?
मेरा तो फर्स्ट साइड मींस कि मैंने तो सोच लिया था शादी अब इधर ही होगी, फर्स्ट लास्ट एवरीथिंग, फर्स्ट लास्ट एवरीथिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, लाइक एंड इट वाज इन माय माइंड एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड्स एवरीबॉडी के बस दिस इज लाइक आर यू मैड ये वो पागल ऑर्डर आज नो दिस इज इट तुम लोग देखना इट्स नॉट पॉसिबल एंड ये वो हो ही नहीं सकता क्योंकि ही इज यंगर टू मी एज वेल So that's why they were more keen that you know it's not possible. But वो are you mad वाले question पे तो मैं आऊँगी जो कि हर लड़की I think हर लड़के को शादी से पहले सुनना पड़ता है. But dance practices पे मिले किसने किससे पहले बात की? Very casually हर किसी से I mean जिस तरह दोस्त बन जाते हैं. अच्छा फिर ये बता दूँ कि वो वाली बात किसने पहले की? हाँ वो हलील बात जो होती है. कि सुने मुझे लग रहा है कि आप और मुझे एक साथ हो जाना चाहिए। I don't even remember Nadir. Oh my God. It wasn't like that actually. It was not like that. बहुत different था because practices पे भी so ये बात ही ना हो जाए ना आप करते करते ऐसे हुआ था साथ डांस कर लिया जो एक एक दोस्ती हुई होगी तो शादी के बारे में किसी एक ने पूछा होगा तो वो किसने पूछा ये आइडिया किसने दिया? No, of course he, it was him of course. इसी ने पूछा था और मैंने इसको डायरेक्टली ये बोल दिया था कि भाई कुछ नहीं दोस्ती वोस्ती सीधा अम्मी को मिलवा दो मेरी अम्मी से ठीक है ना फिर जो भी है ना फोन वोन पे बात कर लेंगे पहले मिलवा दो माशाल्लाह अच्छी लड़कियों का यही हाँ एक चीज होता है मुझे एक यू नो कंफर्मेशन हो जाएगी इसे क्या यू नो लाइक आई डोंट नो दिस इज व्हाट आई वांट इससे मिलवा दिया वहां पे मिलने के बाद अम्मी ने बाबा को बता दिया बाबा शहजाद तक बात पहुंच गई उन्होंने कहा बुलाओ कौन है उन्होंने बात कर ली एंड वहां बात पर क्यों शादी हो गई एंड आई एम लाइक इतना हाँ तो फिल्में देखी तो ये रिएक्शन हर देखने वाले का आया होगा कि हैं कुछ नहीं हो गया कोई पप्पू नहीं आई कोई खाला नहीं किसी ने कुछ बोला नहीं यार मैं यही तो चाह रही थी मैं पूछ रही थी मैं हर किसी को फोन करके बोल रही थी कोई तो आए कोई तो बोले मैंने कहा शहजाद ही कुछ बोल देगा बाबा ही कुछ बोल देंगे सबने मुबारकबाद बोल दिया सबने मुबारकबाद बोल के मिठाई खिला दी हाँ शादी हो गई ढा माशाल्लाह What was that one quality जो आपको मोमल में दिखी कि आपने decide किया आपने कहा यही है लंदन के अवार्ड में यही चाहिए Actually yes सबसे बड़ी quality तो इन्होंने खुद बता दी इन्होंने बोला भाई इधर उधर का सब छोड़ो पहले शादी की बात करो फिर आगे का सोचेंगे लड़का गहरा है भाई मुझे ये था कि यार कोई भी आजकल ऐसे नहीं करता पहले बंदा बोलता है जान ले पहचान ले समझ ले थोड़ा घूम ले बट इन्होंने कहा नो उस तरह तो जाना ही नहीं है हाँ. पहले आप अपनी अम्मा को लाएं फिर आप अपने अब्बा को लाएं फिर मेरे भाई से मिलें मेरे अब्बा से मिलें Very nice. फिर उसके बाद घूमना फिरना शुरू कर लेंगे हाँ, हाँ. तो मैंने बोला यार मुश्किल है ऐसा कोई मिले आप प्लस ओवरऑल या मोमल के साथ शादी से पहले आई थिंक 3-4 साल आई हैव नोन यू बिकॉज ऑफ कॉमन फ्रेंड्स मेरे भाई से एंड ऑल दैट सो She is very different than other girls. मतलब मोमल सबसे अलग है बाकी लड़कियों की तरह नहीं तो बहुत मजा आ रहा है प्लीज ये 2 घंटे चलेगा इंटरव्यू हाँ लेकिन नादर भाई कैसे अलग हैं दूसरी लड़कियों से What do you find so different? बहुत सी ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि बहुत कम लोगों में मिलती हैं जैसे ऑनेस्टी ये सोचेगी नहीं कि और जो बहुत अच्छी बात है ये दो बार नहीं सोचेगी कि अगर मैं ये बोल दूँ तो क्या नुकसान हो सकता है नुकसान भले हो जाए बट सच बोलना है स्ट्रेटफॉरवर्ड लॉयल्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत कम लोगों में होता है उसके अलावा ट्रस्ट है दो तीन ऐसी चीजें हैं जो बाकी लड़कियों में बहुत कम मैंने देखी हैं पहले अपने पहले ओके मैंने कभी मोमल को किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा इसको कोई आके गाड़ी के नीचे दे दे या कोई मार दे या इसके बारे में कोई कुछ बोल दे बट मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये उसके अगेंस्ट प्लानिंग शुरू कर दे या लोगों से बातें करना शुरू कर दे बोलती ठीक है हो गया चलो जाने दो 2 महीने बाद फिर दोस्ती कर लेंगे लेकिन ये एक बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी थी आई कांट लेट गो पीपल लाइक आई कांट मैं मुझे नहीं लगता कि गलतियां हर किसी से होती हैं छोटी बड़ी ऊपर नीचे और अल्लाह ने कहा है कि माफ करने वाला ज्यादा बड़ा है बिल्कुल तो हम ज्यादा बड़े बन जाते हैं हमें मौका मिला है भाई बड़े बनने का क्या बात है कैसे छीनने मौका ये क्वालिटी भी बड़ी है प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है बिकॉज़ शी कैन नॉट लेट गो ऑफ पीपल अक्सर यही होता है अब इसने बुलाया अब इसने बुलाया अब इसने बुलाया अब इसने बुलाया मुझे याद कराना पड़ता है भाई मैं सुबह 7 बजे उठने हूँ मैं 7 बजे तक काम करता हूँ जाहिर है मैं रोज नहीं कर सकता सो प्लीज अच्छा शुरू में होता है ना कि वो एक पहले साल की खिटपेट 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 तो एवरीथिंग वाज स्मूथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में कोई ऐसी चीज नहीं हुई
ये सबसे बड़ी खिटपिट थी कि मोमल को तो हर जगह जाना है, हर किसी की दोस्त की शादी की बहन की बेटी की पार्टिसिपेट करना है, अटेंड करना है, शक्ल दिखानी है, नादिर चले यहाँ चले वहां चले। अब वीकडे हो वीकेंड हो और हमारे फील्ड में कहाँ वीकडे वीकेंड, हमारे तो 10 to 10 है काम, और जब नहीं है तो छुट्टियां ही छुट्टियां, राइट। तो नादिर ने कहा एक सेकंड बीबी जी हेलो ये क्या, सो यू नो द फर्स्ट हमारा जो बीच में इश्यू आप कहोगे कि यू नो लाइक कपल में इश्यू होता है, पीरियड चलता है कि यू नो नई नई शादी में, हमारा ये था, ये इशू था। तो फिर मैंने कहा अच्छा ओके मोमल काम डाउन, ही हैज अ वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मेरे ससुर जो है 8:30 बजे डिनर करके 9 बजे ताले बंद करके सोने वाले इंसान, सो आई नीड टू चेंज माई सेल्फ यू नो, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई कांड आई डिड। बट थोड़ा सा नादिर का भी ये है कि ब्यूटीफुल मैन, आई एम रियली हैप्पी के मोमल ऐसी बातें नादिर ने कही, क्योंकि मैंने जब मोमल के साथ काम किया था किसने कभी वाकई किसी की बुराई नहीं की, कभी मेरा दिल कर ही रहा था कि किसी की तो कर दो, पर नहीं की। कभी कभार घर आती है तो अब बेबी कभी का काम है, जाहिर है एवरीवन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, कुछ इश्यूज होते हैं, भी कभी घर आएगी मैं भी घर आऊंगा, मेरी अपनी फ्रस्ट्रेशन चली होगी, बच्चों के अलग सवाल होते हैं। तो मोमल का ये होता है ये हो गया वो गया वो गया वो गया फलाना हो गया, मैं बोलता हूँ भाई कोई कहीं और मोमल जितनी भी आपकी जो करीब की फ्रेंड्स उन्होंने जब कहा कि आर यू मैड, ये क्या कर रही हो, ऐसे क्या कर रही हो, तो उनको क्या रिएक्शन दिया था, और कोई सेकंड थॉट आया था कि यार शायद मैं सोच लूं एक दफा? नो सेकंड थॉट, मैं बिलीव करती हूं है ना कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो या मांगो तो पूरी कायनात उसे आपकी तरफ, अरे अरे वाह, ट्रस्ट मी दिस हैज हैपेंड विद मी, ट्रस्ट मी, व्हेदर इट्स नादिर, अ वेरी बिग थिंग इन माय लाइफ, सेकंड बिग थिंग इन माय लाइफ वाज माय फादर। मैंने कहा था, सोचा था कि मैं अपनी शादी पे उनको घर वापस लेके आऊंगी, and I did that, and then only I got married. और ऐसी छोटी मोटी चीजें होती हैं और मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ पॉजिटिव रहो, सोच लो, फोकस रहो, देगा यार, क्यों नहीं देगा, मांगोगे तो देगा, बेशक, बस ये एक पॉजिटिविटी। Well, on that beautiful note, I have to take a break. Sure. क्योंकि ad से हमारी दुकान चलती है और वो हम चाहेंगे कि चलती रहे। So, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मतलब उम्दा बातें चल रही हैं, सोचा बहुत नहीं उम्दा बातें चल रही हैं, और भी लव स्टोरी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, बहुत सारे कुछ, लेकिन इससे पहले हम एक गेम खेलेंगे और फिर आएगा मजा। तो आप लोग आइए ब्रेक के बाद, यू वॉच द कपल शो सीजन 2, आज हमारे साथ है मोमल और नादिर, आप आइए जल्दी से वापस। Everybody, you're watching the couple show season 2 where हमारे साथ हैं मोमल एंड नादिर। Yay! Alright, so मुझे जानना ये है कि घर में ज्यादा मशवरे कौन देता है, किसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो। इब्राहिम। हाँ, हमारा बेटा। सबसे ज्यादा मशवरे वो देता है। तो आप लोग उसके मशवरे सुनते हैं? 6 years old, but IQ of about 30-40. तो हम उसको बोलते हैं कि ये करो, बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, हाँ। अच्छा यहाँ जाना है, नहीं आप इतने बजे नहीं जाना, अब मुझे इतने बजे जाना है, आप ऑफिस इतने बजे जाएंगे, मामा शूट इतने बजे जाएंगी, खाने में ये बनेगा, उनके मशवरे बहुत ज्यादा होते हैं हमारे लिए कभी के बाद। वाह यार क्या, ज्यादातर वो मशवरे देते हैं माशाल्लाह। तो किस पे गए हैं ये मशवरों वाली आदत में वो? मोमल को आदत ज्यादा है मशवरे देने की। हाँ, आई मीन लाइक घर में, आई मीन दे देती हूँ, ऑफ कोर्स, आई मीन किस तरह होना चाहिए, ऐसे इब्राहिम की सारी आदतें मोमल पे हैं। ओके, उनके दोस्त भी ज्यादा हैं, वहाँ पे गया है बच्चा, वो आउट गोइंग भी ज्यादा है, मतलब मैं सुबह कभी कभार उठ जाता है तो मैं काम पे जा रहा होता हूँ, तो मुझसे सुबह सुबह मतलब बंदा सो के उठ रहा है काम पे जा रहा है वैसे ही दिमाग नहीं चल रहा होता, राइट, अब मुझसे पहला सवाल होता है व्हाट इज द प्लान फॉर टुडे, अभी स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, कुरान क्लास लो, फिर आके डिसाइड करेंगे, बट प्लान पहले बताएं, मैंने उसके बाद कहाँ जाना है, दादा हाउस जाऊंगा, नानू हाउस जाऊंगा, किसी दोस्त के यहाँ जाऊंगा, सैटरडे के प्लान पहले बनाने होते हैं, संडे के प्लान पहले बनाने होते हैं, उनको बताना होता है, और सबको पता है कि बोल देता है जो प्लान्स होते हैं, संडे आई एम बिजी बिकॉज इट्स बाबाज डे, संडे को पूरी जो है मिलेगी, बाबा की ड्यूटी है, तो दोस्त जो है दोस्त आके मशवरा लेते हैं मोमल से कि मोमल मुझे ऐसे करना है, मैं ऐसे कर लूं, हां हां
मशवरों में मैं नंबर वन, मशवरों में नंबर वन है। देखिए आज आपके ये जो आपका स्किल है ना, ये आज आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि जो हमारा अगला सेगमेंट है वो मशवरों के बारे में ही है। और आपके सामने आप देख रहे हैं दो खूबसूरत बोल पड़े हैं, उनके अंदर ये चिट पड़ी हुई है बहुत सारी। okay. तो इनके ऊपर बेसिकली कुछ नाम है और आप दोनों के लिए है ये सवाल। हिना को मेरा यही क्यू चाहिए था और इसी क्यू के साथ मैं फंस चुकी हूँ। चलो आपसे शुरू करते हैं। अच्छा। और आपने पहला मशवरा जो है वो देना है ओ! अरे हमारी प्यारी, इन्हें कहते हैं जी हीरा मानी। हाय मेरी जान, इन्हें आप क्या मशवरा देंगे? इनको मैं मशवरा क्या दूं, इनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि और गाने गाओ। Alright, that was a very nice mashwara. And she is very smart. And I'm very smart. And agla mashwara hai hamari bahut hi pyari Alize Shah ke liye. To Alize ko kya mashwara dengi aap? Alize ko main mashwara dungi ki aur kaam kare, bahut kam kaam karti hai. To she should screen pe nahi aa rahi itna zyada, I think so jitna usko aana chahiye, jitni uski hype hai. So she should just come on screen more. Pad sakti hain aap naam yahan se? क्या कहेंगी इन्हें? यासिर, मैं तुम्हें कहना चाहूंगी कि तुम फिल्में और लिखो क्योंकि तुम बहुत अच्छा लिखते हो। अगला नाम है हमारे पास हानिया आमिर। हानिया, हानिया को मैं कहूंगी कि हानिया तुम ज्यादा फिल्में करो, तुम ज्यादा गाना गाओ। मेरा जवाब दे चुके हैं, नहीं नहीं, इसलिए मैंने ये बोल दिया कि ये गेना कह दे। हानिया को कॉमेडी करनी चाहिए एक्चुअली। जो उसकी पंच लाइन होती है, शी इज वेरी फनी एंड शी इज अ लॉट ऑफ फन एंड कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग एंड हानिया इज रियली गुड विद टाइम। सर ये बिल्कुल ही अभी अभी माशाल्लाह ये भी शादी के बंधन में बंधी है, तो ये मिनाल खान है, चमकती दमकती मिनाल, क्या कहना चाहेंगे आप? मिनाल से मैं कहूंगी कि अपना ब्यूटी पार्लर खोल लो, कपूर और किंजा के अलावा भी कोई और दोस्त बनाओ। ओ ये चाह रहे थे ना तुम, ठीक है। अगला नाम है हमारा उष्णा शाह। उष्णा शाह, उष्णा शाह को मैं क्या बोलूं? उष्णा शुड शुड क्या, उष्णा को क्या सजेस्ट करूं? Yeah, because she's more into like जो pets के ऊपर वो करती है और बोलती है, you know, like उसमें कुछ कर ले, like I don't know what exactly उसका नाम क्या होगा, but उसका voice जो है वो सुना जाता है। Pet shelter खोल ले, pet shelter or something like that, because she's always very concerned about pets. Yeah, she's very concerned about animals. And अगर उसको कुछ गहराई में इसके बारे में सोचे, and I'm sure सोचा होगा, वो करती भी है, तो एक कोई आगा को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। But उष्णा, yeah, that's what I want. But very nice. अगर मामूल के हिसाब से बताओ तो बेटा सब कुछ ना कुछ बस खोल लो। कुछ ना कुछ जिंदगी में करते रहो। हम आते हैं नादिर की तरफ। नादिर भाई, ये देखिए आपकी बारी है। नादिर भाई ने चेहरे पे हाथ रख लिया है। हाँ, और आई एम वेरी श्योर कि वो दिल से मशवरे देंगे क्योंकि वो हर वक्त देते नहीं रहते। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैंने दिल से मतलब मशवरे नहीं दिमाग से दिए? हाँ, आपने दिमाग से मशवरे दिए। बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल दिल से भी दिए, ये मेरा दिल है। ओके, यही मेरा दिल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बस बहुत सारी तालियां भाई हमारी दोस्त मोमिल के लिए। अब हम नारा रुख, अच्छाई का जमाना नहीं रहा दोस्तों, अच्छाई का ओवरडोज भी हो जाता है, यही है भाई। अब क्या करें? ओके, मेरा भाई मलिक रियाज को क्या मशवरा देंगे? बताइए जरा हमें। मलिक रियाज, एक्चुअली आई एम बिग फैन, बिकॉज मुझे लगता है जो वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। प्लॉट नहीं मिलने वाला। गुड वन। आई थिंक ही इज ऑल्सो फोकसिंग ज्यादा एक तबके की तरफ। हमारे नीचे तबके के भी लोग हैं जिन पे फोकस नहीं है, सो आई थिंक थोड़ा हाउसिंग स्कीम में, लोअर डेवलपमेंट में उनकी तरफ भी फोकस करें तो बेहतर है, ताकि उनका भी कोई भला हो। एंड व्हाई आई एम गिविंग दिस मशवरा इज बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स, सो अगर वो कुछ डेवलप करने जाए हमारे नीचे के तबके के लिए, आई थिंक ही कैन डू वंडर्स। जबरदस्त। अगला नाम है डॉक्टर आमिर लियाकत। क्या सजेशन देंगे? अब आम खाएंगे।
मुझे लग रहा है आप मेरी कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं। मोमल से तो नहीं निकली, मोमल के हस्बैंड से निकल गई है चलाने में। हमें लाकर आई मीन मैंने उनका इतना शो देखा नहीं है, मैंने शायद ये एक क्लिप देखा था या आम वाले। अच्छा, आम वाले के अलावा कभी कुछ नहीं देखा? वैसे जान पहचान है अंकल के थ्रू, बैरोज अंकल के थ्रू, बट इतनी नहीं है कि मैं पर्सनली उनको कभी बैठ के बातचीत हुई हो इस तरह का हुआ। बट what I would literally suggest for him is that he should choose, या तो पॉलिटिक्स में जाएं या मीडिया में जाएं। दोनों तरफ कभी के बार सही नहीं होता है। एक तरफ लाइन तो बेहतर है, एक तरफ, और दोनों बहुत अलग फील्ड्स हैं। मतलब आप कभी इस तरह मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म कर पाएंगे। क्या मतलब तुम कभी एक्टिंग नहीं करोगे? मैं हाँ नहीं, मैंने कहा पूछ लो। अच्छा नादर भाई, दिस इज वेरी इजी, आप सजेशन क्या देंगे एक आम आदमी को, हमारे मुल्क के आम आदमी को क्या कहेंगे? सॉरी शुक्र मैंने वो नहीं लिया, आई गेट इट। मैं रोज आम आदमी से डील करता हूँ, रोज मशवरे देता हूँ। एक एनसेंबल कोई अगर मशवरा देना हो तो? जनरल मेरा हमेशा जो मशवरा सबको होता है, चाहे वो एक हाउसकीपर हो या एक सिक्योरिटी गार्ड हो या चाहे वो किसी कंपनी का सीईओ हो, एंड आई थिंक जो एक चीज़ है जिसमें मेरा बहुत बिलीव है, दो चीज़ें हैं, एक तो आप अल्लाह पे भरोसा करें और दूसरा अल्लाह का शुक्र अदा करें बस। बिकॉज मुझसे जब भी कोई पूछता है, मेरे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, तो ये भी कभी क्या बोलती है, कैसे होगा? मैं बोलता हूँ हो जाएगा, होना होगा, हो जाएगा, रिलैक्स करो, बस अल्लाह पे भरोसा रखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। देयर आर टू थिंग्स, द अदर थिंग मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि हर बंदे के ऊपर भी कोई है, नीचे भी कोई है, बिल्कुल, तो एक जगह नहीं देखो। अगर ऊपर वाले को देख रहे हो ना तो नीचे वाले को भी देखो। और ये एक, अगर आप बहुत गहराई में कभी जाके सोचें और देखें, हर बंदे के नीचे कोई है, हर बंदे के नीचे कोई है, और उस बंदे का कोई अपना इश्यू है, कोई अपना मसला है जो आपका नहीं होगा और वो उससे डील कर रहा है, तो उसका मसला भी समझो, उसका दुख भी समझो। ये नहीं सोचो कि सिर्फ आप ही मुश्किल में हो या आप ही प्रॉब्लम में हो। और अगर आप इस चीज़ में बिलीव रखो कि बनाने वाला वो है, अगर वो आपको मसले इश्यूज प्रॉब्लम्स और ये सब देता है लाइफ में, वो हर बंदे को उस हिसाब से देता है कि जिसको वो क्रॉस कर सकता है। बट आपको अपनी सोच ऐसी रखनी चाहिए कि मैं इस मसले से निकल जाऊंगा। आपको ये नहीं कहना कि अल्लाह मियां ने मेरे साथ ये क्यों किया, आपको ये कहना कि अल्लाह मियां ने मेरे साथ ये किया क्योंकि मैं संभाल सकता था, मैं इंशाल्लाह निकल जाऊंगा। और ये मेरी डे वन से बिलीव रही है, हर प्रॉब्लम में, हर इशू में। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी आपके मशवरे में वो ये कि यू नो बीइंग ग्रेटफुल, आई थिंक हम हर इंसान का एक पर्सनालिटी ट्रेट जो बड़ा कॉमन है कि वी आर वेरी कंप्लेनिंग, ये नहीं है तो ये हो जाए, ऐसा नहीं है तो वैसा हो जाए। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल सजेशन, वेरी 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 ब्यूटीफुल मैन, बहुत अच्छा खेला इनसे, तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिए, मुझे बहुत खुशी हुई। ओके, तो मरियम नवाज साहिबा को भी रिसेंटली इंटरनेट पे बहुत तारीफ़ें मिली हैं, शादी में उनके बेटे की देखा गया उनको। तो ये मरियम नवाज साहिबा एंड नवाज फैमिली को करे कोई एक मशवरा देना हो, फर्ज कर लेते हैं कि वो आपका ये मशवरा मान भी लेंगे, तो क्या मशवरा, तो क्या मशवरा होगा? मेरा पॉलिटिकल व्यू बहुत सिंपल है, हमारे दोस्त हैं काफ़ी और मेरे ऑफिस में भी सबका अपना पॉलिटिकल व्यू होता है, मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होता, मैं कभी किसी को कॉमेंट नहीं देता हूँ। मेरा मशवरा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक ही है, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे वो नवाज शरीफ हों, बिलावल हो, कोई भी हो, कि वही पहले जो मैंने बात कही ना कि अपने आप को एक दफ़ा साइड पे रख के ना अपनी कौम का सोच लो, बहुत ज़रूरी है। सही है, और अगर वाकई अपनी कौम का सोचना है तो वो एक बंद कमरे में या एक महल में या बाहर रह के आप नहीं कर सकते, ठीक है? आपको रोड पे आना पड़ेगा, आपको उनके हाल देखने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। एक हमारा रोज का काम है, आप एक बंदे को अगर महीने की 18,000-20,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हो तो शायद सबको नहीं पता, हमें पता है कि वो अपना घर किस तरह चला रहे हैं, बट शायद इनको भी नहीं पता, तो इनको ये चीज करनी चाहिए, विच मुझे जहाँ तक लगता है इनमें से कोई भी वो चीज नहीं करता। हर बंदा यहाँ नई नई स्कीम आ जाती है लेकिन उसके ऊपर अमल कोई नहीं हो रहा, अमल नहीं होता, फायदा नहीं होता उसका, क्योंकि वो स्कीम आती है चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। सो आई फील के आपकी पर्सनल लाइफ अपनी जगह, जिस तरह आप चला रहे हैं आप चलाएं, बट अगर मुल्क चलाना है ना तो मुल्क मेरे हिसाब से आप अकेले नहीं चला सकते, मुल्क अवाम के साथ चलता है, और अवाम के साथ मुल्क चलाने के लिए आपको अवाम के बीच में आना पड़ेगा, जो आपके बड़े लीडर्स हैं,
बाहर मुल्कों में, आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को देख लें या आप बाहर और भी बहुत से हैं, आप इनको अगर देखें, इनका एग्जांपल देखें, सो वो नॉर्मल एक रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खाएंगे जी। वो रोडों पे चलेंगे भी, वो घूमेंगे फिरेंगे सब कुछ करेंगे, वो रैंडम लोगों से बातें भी करेंगे, प्रोटोकॉल नहीं होगा उनके पास। इसीलिए एग्जैक्टली वो इसीलिए ये सब करेंगे बिकॉज वो सुनना चाह रहे हैं बिल्कुल कि क्या मसला क्या है, तुम्हारा इश्यू क्या है, तुम्हारी तनख्वाह में मसला है, बिजली का बिल ज्यादा है, गैस का बिल ज्यादा है। आप किसी के घर नहीं जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कराची में सबसे बड़ा मसला क्या है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है। बिल्कुल कोई जाके सुनता है, कोई नहीं जाके सुनता। और हर साल हम उन्हीं मसलों के साथ फिर से शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही। एक एक लफ्ज जो भी नादिर ने कहा वो बिल्कुल सही है और सच्चा है। अगर आप बाकी अपने आप को एक लीडर मानते हैं तो जो आपको फॉलो करते हैं वो जहाँ हैं, जिस दर्द में हैं, उसे फील करें, वहाँ पे आएं। सिर्फ स्पीचेस करने से कुछ खास होता नहीं है। हम हो गए हैं बहुत सीरियस, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उम्मीद रखते हैं कि बहुत मजा आएगा क्योंकि अगला गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेलकम बैक टू द कपल शो सीजन 2। आपके सामने हम चार लोग यहाँ मौजूद हैं और खेलने वाले हैं अपनी वही शाकार गेम। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ और ये अरबों रुपए का शाहकार है। यकीन करें आप, अगर इसकी बोली लगवाई जाएगी तो ये पता नहीं कितने में बिकेगा। ये देखिए, मिलियन डॉलर्स, द कपल शो। उसके लिए बहुत सारी तालियां मोमल के शाहकार के लिए। तो इससे पता चल रहा है कि मोमल यू आर वेरी गुड एट ड्राइंग। या अ लिटिल बिट, या अ लिटिल बिट, और एटलीस्ट शी थिंक्स दैट शी इज वेरी गुड। आह या, ओके। एंड नादिर भाई, व्हाट अबाउट यू, आर यू गुड एट ड्राइंग? नो नो, नॉट एट ऑल। हम लोग बहुत पिक्चरें खेलते हैं, हम दोस्त वगैरह, तो नादिर हमेशा सिर्फ गेस करता है, दोनों टीम्स के लिए गेस करता है। अच्छा, हम लोग की दो टीम्स में होती हैं तो ड्राइंग कब पे कभी नहीं आता। हां, ऑलराइट। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान कुछ नहीं करना चाहता तो कुछ ढीट लोग जबरदस्ती करवाते हैं, तो आज हम वो करेंगे यार। ऑलराइट जी, मोमल एंड नादिर भाई, आपका एक मिनट शुरू होता है। तालाब में केले, केले हल वाला। 18 सेकंड हो चुके हैं। But she's doing very good, good yaar. Can't write anything. क्या लग रहा है नादिर भाई, जल्दी बताएं। हलवा वाला ही लग रहा है। हलवा वाला, हल वाला, हल वाला। 32 seconds. Fruit chart. मुझे fruit chart लग रही है। कोई इंसान ना आंखें बेच रहा है। 40 seconds. Vegetables. सब्जी वाला। शिफ्ट हो जाओगे तुम फ्रूट वाले से सब्जी वाले पे, सब्जियां नहीं आती बनाना, क्या करें भाई हम। ये क्या बात हुई, बनाने आती है, बनाने, ये अच्छी बात है। अच्छा, चीटिंग नहीं करती, मुझे चीटिंग करना नहीं पड़ता। अच्छा, यू आर दैट सीरियस गेम। वेरी ऑल राइट, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। बंदा, बुड्ढा इंसान, बुड्ढा इंसान, क्रो, एलियन है वो, क्रो वाला बंदा, क्रो वाला बंदा, पायलट, पुलिसमैन, किस किस सितारे होते हैं, पुलिस, हवलदार, नेवी, नेवी, बच्चे, बच्चे भी होते हैं उसके, बाप, बाप बच्चे का बाप, स्टार्स, नेवी, किडनैपर, किडनैपर, डाकू, टैंक वाला, टैंक आर्मी। अच्छा, दोनों का टाइमिंग बिल्कुल एक जैसा है। नादिर भाई ने भी बोलता आर्मी मैन, आर्मी मैन, आर्मी मैन, मेरे बच्चे इब्राहिम। ओह माय गॉड, दैट वाज वेल डन मैन, वेरी वेल डन। बहुत सारी तालियां नादिर के लिए। वेल डन, वेल डन। ओके नादिर, यू नो आफ्टर वाचिंग दिस, ओके टाई चल रहा है भाई, अब तो तुम्हें ड्राइंग करनी पड़ेगी। आई एम स्टिल इन हिनास टीम, गेसिंग। जीतने वाले के लिए है बहुत ही उम्दा तोहफा, और आप दोनों में से अभी टाई चल रहा है। अब आपकी बारी है, हिना आपको बताएंगे।
कंफ्यूजन है. सो अगर मैं गेस नहीं, पॉइंट किसको मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है? गेसर को मिल रहा है. गेसर को मिल रहा है ऑब्वियसली. आई विल ड्रॉ समथिंग डिफिकल्ट इन, तो ड्रॉ करने वाले को दे देते हैं. आप बताएं, हमारा शो है, हम कुछ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ड्रॉ करने वाले को मिल रहा है जी पॉइंट. ठीक है, ओके चले जी. क्या आप तैयार हैं? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तरबूज. आईलैशेस. आईब्रो. चुड़ैल. शी इज वेरी गुड एट ड्रॉइंग. बना लो पहले. ये क्या है भाई? कौन है ये? मदर. फादर. एक पगलाई हुई लड़की. नादर भाई 20 सेकंड हो चुके हैं. टीचर. लैम्प. ये लैम्प लग रहा है मुझे. सूरज. वो एक्टर. एक्टर. प्रोड्यूसर. एक्ट्रेस. नाइस. यस. ये कैमरा है. यस बेबी. देखो ये कैमरे को दाना निकला हुआ है. और पुराने जमाने के कैमरा देखे हैं तुमने आगा? तो ये पुराने जमाने की एक्ट्रेस बोला था उसने. और सूरज क्यों आने वाले कैमरा? आई डोंट अंडरस्टैंड. सूरज क्यों बना रही है लाइट? एग्जैक्टली. कहां है हमारे फोटोग्राफर? कहां है फोटोग्राफर? जितनी बड़ी लाइट, वो लाइट थी, वो लाइट, वो लाइट बनाने की कोशिश कर रही थी तो उसकी रे. अच्छा यार, पता नहीं. खैर, अच्छा. और एक और मेरा सवाल है कि ये एक्ट्रेस ऑलरेडी सेट पर है, ये घर से आ रही है? ये सेट पे है. ये सेट पर है. ओके. कोई अलग कैरेक्टर कर रही है? ये सवाल तो ये है, एक्ट्रेस ने पहना क्या हुआ है? जाने वाला बंदा. हाँ, टाई उसने लगाई हुई है. आई थिंक ये वो है. डॉक्टर. 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 17 सेकंड के अंदर गेस कर दिया. अच्छा, एक और सवाल नादर भाई, क्या ये क्या बात है? बहुत सारी तालियां हमारे दोस्त के लिए. आ जाइए प्लीज. मोमल और नादर भाई के साथ गेम्स खेलने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है. सो वी हैव अनदर गेम दैट इज सो कॉल्ड रैपिड फायर राउंड, जिसके लिए आप दोनों के पास आपके पॉम्पॉम्स हैं. हम जल्दी जल्दी कुछ छोटे क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे और आप दोनों ने अपना पॉम्पॉम रेस करके बताना है कि क्या वो आप हैं या वो आप हैं. Okay, but it's called Who's the One? Who's the One? Yes. So Who's the One का बड़ा ही कमाल बात है कि मैं ऐसे पूछूंगा जैसे हिना पूछेंगी कि आप दोनों में से ज्यादा ब्ला ब्ला कौन करता है आप लोगों में. ब्ला ब्ला तो कोई नहीं करता होगा, यू नो. तो जो दोनों में से वो करता होगा, आप लोगों ने ये पॉम पॉम रेस करना है, इसको शिगजुम करना है और फिर बताना है कि ऐसा. So, हमने अपनी तारीफ खुद करनी है. खुद करनी है. अपनी बेइज्जती भी खुद करनी है. हाँ, लेकिन इसमें तारीफों से ज्यादा और बिटर सवाल भी हैं. कुछ अच्छे और कुछ तीखे. आगा पहले आप शुरू करें. हम दोनों उठा जी. तो मैं आप शुरू करें जी. तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप दोनों में से ज्यादा रोमांटिक कौन है? नो नो. मोमल ज्यादा रोमांटिक है? डेफिनेटली. ऑलराइट. ओके, तो भाई ऐसा क्यों किया भाई ने? ए भाई, ऑडियंस भी तो देख रही है. वेरी स्मार्ट. ओके, दोनों में से ज्यादा फजूल खर्च कौन है? अगला सवाल, ज्यादा जिद्दी नेचर किसकी है कि मैं नहीं कर रही? मैं यहाँ रख देता हूँ. ओके, अब अगला सवाल भी मुझे जवाब पता है. ज्यादा सोशल कौन है? मोमल. अगला सवाल हमारा ये है कि ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? कौन चीजें भूल जाता है? बर्थडे भूल गए, एनिवर्सरी भूल गए, या चीजें कहीं रख के भूल गए? चीजें रख के भूल गए. मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, लेकिन नादर आप उठा ले. आप भी उठाए. आप भी उठाए. नादर इज स्टिल इन दैट थिंकिंग प्रोसेस राइट नाउ कि कौन ज्यादा भुलक्कड़ है. एक इस तरह का एग्जांपल है, एक काम दे दिया है. मुझे तो लगा कि मैंने पूछा कौन भूलता है, नादर जवाब देना भूल गया. तो काम दे दिए, काम चल रहा है, उसमें टाइम लगता है, बंदा भूलता नहीं है, याद रह जाता है. मगर ये जो चीजें रख के भूल जाना और ये सब करना, ये बहुत सारी. इन लॉज के साथ ज्यादा
बना के रखना इन लॉस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना, बहुत ही शर्मिंदगी के साथ नादिर भाई ने अपना पॉम्पम नीचे ही रखा है, चेहरा भी छुपा लिया है। और अगला सवाल है कि ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड घर में कौन है? ये ऐसे रहना चाहिए। 100%, वेल डन यार, वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, ज्यादा एक्सक्यूजेस कौन बनाता है चीजों को लेके कि यार यहाँ नहीं जाऊंगा या ये नहीं खाऊंगा? ये गलत सवाल है, नहीं जाऊंगा। इस पे हमारी बात हो चुकी है। जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक सेकंड नादिर, हाँ बोलो। हाँ, तो ये कौन करता है एक्सक्यूजेस में? नंबर वन कौन है घर में? अच्छा जी, अगला सवाल है, मुझे लगता है मुझे इसका जवाब पता है कि तैयार होने में ज्यादा टाइम कौन लगाता है कि यार जल्दी चलो। 100% बात है, वो देखें आप बॉय कैसे मत 5 मिनट नहीं लगे होंगे इस किट को। नहीं, उसका रीजन अलग है क्योंकि मैं लेजी बहुत हूँ। हाँ। So, अभी भी जैसे शो पे जब आना था तो मुमल तैयार व्यार होके जब घर आ गई तो तब मैं कपड़े सोच रहा था कि पहनने क्या है। आई थिंक सो नादिर को ये होता है कि मैं एक बार देख लूं मुमल रेडी है तो फिर मैं घुसूं तैयार होने के लिए। एंड आई हेट दैट। मैं बीच में मेकअप करने के लिए बैठती हूँ, मैं कहती हूँ नादिर मैं तो हो जाऊंगी 10 मिनट में तैयार। हाँ। नादिर उस वक्त सोच रहा होता है, अभी अपना शो देख रहा होता है, अभी चाय चल रही होती है, फिर मेरी एक और आवाज आएगी नादिर, फिर उठेगा आएगा अच्छा हाँ चल रहे हैं ना लाइक। तो मोमल वाकई 10 मिनट में रेडी हो जाती है? हाँ, तैयार जल्दी होती है। Trust me, ना, तुम भी 10 मिनट में ही तैयार हो। बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज है मेरे लिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपने बच्चों को भी सुलाना है, देखना है, जाना भी है, तो आपने यहाँ थोड़ा कम करना होगा या आप इतने हमारे खैर वेल फील्ड में थोड़ा सा हम यूज्ड टू हो गए। बिफोर यू बिकेम अ मदर एंड यू गाइस हैड यू नो गॉट इनटू पेरेंटहुड, उससे पहले भी 10 मिनट या उससे पहले लगते थे 2 घंटे? नहीं, ये बचपन से ही ऐसा ही है, ऑलवेज बीन क्विक। ज़्यादा टाइम मुझे बचपन से सोशल है ना। अच्छा, हाँ वैसे। अच्छा। ओके, एक आखिरी सवाल है मेरे पास, ये बता दो और झूठ नहीं बोलना, ज़्यादा एक दूसरे में से गिफ्ट कौन देता है दूसरे को? इक्वल है। इक्वल है। अच्छा, नादिर का ये है कि जब नादिर करेगा तो ही विल गो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ऐसा करेगा कि एक दफा इन्होंने मेरी बर्थडे पे while I was in a flight from New York to Pakistan to Karachi, 12 बजे मेरी बर्थडे जहाज में थी और मुझे आता है केक। तो ऐसी चीजें करता है नादिर। ये कोई और ना करे, बहुत महंगा पड़ा था। So memorable, and I still remember. So I like it that way कि रोज रोज का चलो नहीं but करो तो like last year was our 10th anniversary so it was like a very special dinner wow, just two of us pura din sirf usi ki taiyari ho rahi hai ke balloons bhi chahiye honge momal ko flowers bhi chahiye candles bhi chahiye light bhi chahiye so he and pictures lagana pure 10 saal ki he goes into nitty gritty and he wow. make it memorable yeah very so nice. definitely wow 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 yaar kya baat hai yaar aakhri sawal misali husband वाकई वैसे मिसाली हस्बैंड जितने लोग देख रहे हैं उनको टिप्स लेनी चाहिए और सीखना चाहिए। तो कई औरतें इस वक्त ये बोल रही होंगी तुमने तो कभी जमीन पे केक नहीं बुलाया, वो बादलों में केक खिला रहा है। अगला सवाल है कि घर को ज्यादा मैसी कौन करता है? उठा लो मोहम्मद और इब्राहिम का कंपटीशन है। अरे वाह वाह, मतलब रोज बोलना पड़ता है कि दोनों में से कौन ज्यादा मेसी करेगा फिर कौन उसको साफ भी करेगा। ये अच्छी चीज है, बट इसका ये है कि आई एम नॉट मेसी नहीं है। मोहम्मद का ये है कि जब कुछ है तो बस फिर सब इधर उधर फिर मतलब सोफे में बैठने के लिए भी आपको देखना पड़ता है। नो, आई मीन लाइक नो, मेसी इज दैट इट्स ऑनगोइंग थिंग, हर रोज पे ये हो रहा हो, हर रोज पे नहीं होता। जैसे कि आज अगर मुझे जल्दी आना था, बच्चों को भी देखना था, अपने आप को भी देखना, तो छोड़ आई हूँ मैं, मेकअप खुला हुआ है, आई नो जूते जो दूसरे ट्राई कर रही थी वो भी वहां पड़े हैं, चले जाएंगे अपनी अपनी जगहों पे जब जाऊं। ओकेजनली मेसी है, कंपैरेटिवली मेरा नहीं है। ओसीडी है तो मुझे ये होता है कि भाई अगर मैं काम से आया तो मेरे जूते अपनी जगह पे जाएंगे, मेरी टाई अलमारी में टंगेगी वापस। सो एक सेकंड, मैं एक चीज बताती हूँ। सुबह जब मेरी नई नई शादी हुई तो मैं हूँ थोड़ी सी लेजी, आई कांट डू क्लीनिंग एंड तेवे, मुझे बाहर के काम करा लो, मैं बिल भरने चली जाऊंगी, बैंक चली जाऊंगी, ग्रोसरीज जाऊंगी, घर का ये तेवे वाला काम नहीं होता मुझसे। तो जब मेरी नई वेरी स्पेसिफिक अबाउट तेवे तेवे करके रखना शादी हुई तो
अब मैं तो ऐसी नहीं थी, शुरू शुरू में करना पड़ता है आपको, ऑफ कोर्स इंप्रेस करने के लिए, तो मैं करती थी शुरू शुरू में। आज कोमल ने सच बोल दिया नादर भाई, इंप्रेस करने के लिए। मैं सुनना चाह रहा हूं ये स्टोरी 10 साल पहले की। बट नादर क्या करता था एवरी संडे, अगेन आई एम लेजी तो मैं नहीं बेड बना सकती हूँ, संडे को तो कोई हेल्प नहीं है तो कौन बेड बनाएगा। तो वो आज तक 11 सालों तक संडे को नादर ही बेड बनाता है, बिकॉज लाइक आई एम सो लेजी लाइक दैट। तो ये एक अच्छी चीज है कि मेरी एक ड्यूटी जो है वो कम है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द बेस्ट हस्बैंड ऑफ द ईयर, इन फैक्ट ऑफ द डेकेड, ए गोस टू नादर, मेरा भाई। वुहू, एंड ही इज द बेस्ट फादर एज वेल, बाय द वे। माशाल्लाह हैंड्स ऑन कंप्लीटली। अगर मुझे बाहर ट्रैवल करना तो मुझे हर कोई पूछता है कहाँ छोड़ती हूँ, दादी के घर, नानी के घर, आजक नहीं, नादर है ना। सो ही यूज्ड टू, मैं बता रही हूँ, जब मैं फिल्म करने गई थी इब्राहिम, वो 3.5 महीने का, व्हाट 3.5 महीने का था, नादर यूज्ड टू चेंज द पैम्पर, नहलाना, खिलाना, फीड करना, ऑफिस से आता था, सब कुछ करता था उसकी रूटीन के, फिर वापस जाता था, फिर आता था, फिर करता था, ना मेरी अम्मी को दिया ना अपनी अम्मी को दिया। Amazing. मुझे ढूंढ रहे होंगे कि किधर है इसको मारो। लेकिन आगे हमें अभी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं देना चाहूंगा नादर को ये अवार्ड, एक स्टैंडिंग ओवेशन फॉर नादर भाई। दिस इज फॉर यू। वेल, आई एम रियली हैप्पी टू नो ऑल ऑफ दिस। जाना पड़ेगा हमें एक ब्रेक पे, है ना, अगर आपकी इजाजत हो तो जा सकते हैं। बिल्कुल ब्रेक पे जाएंगे। आप मत खड़े हो, आपको कोई अवार्ड नहीं दे रहे हम, प्लीज बैठ जाएं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुझे अब ना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल नादर भाई के लिए आ रहे हैं, जो मैंने उनकी पर्सनालिटी अब सुन ली है। बट राइट, तो हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ऑलराइट, वी विल टेक अ ब्रेक, कहीं ना जाना, वापस आना। ओके, ऑलराइट, वेलकम 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 वेलकम। और मैं यहाँ पे हूँ, आज हम लोग खेलेंगे हमारी फेवरेट गेम द ग्रेट मोमल के साथ। और ये पहली इस गेम को खेलने वाली ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सवालों पे बहुत बहुत, अभी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, दिमाग हमारा क्या हल दिया है इसमें, कौन सा सवाल है, क्यों है, कैसे है, मुझे पेन दो, मैं खुद लिखूंगी। अच्छा नहीं नहीं, उसके बाद मोमल ये भी कहा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दिमाग में। हाँ, लेकिन दिमाग से पूछ नहीं सकते, पूछ वही सकते हैं जो लिखा हुआ है। जी नहीं, ये और नहीं है, आपने ये खाना है तो खुद खाना है, ये अपने पार्टनर को भी नहीं खिला सकते। हाँ, खाना तो खुद ही, एग्जैक्टली। और इसी के साथ साथ आई नेवर सेड दैट नादर भाई और आई कैन ईट ऑल दिस, पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। ओके जी, तो हमारा फेवरेट राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है कह के तो देख। तो शुरू करते हैं, पहला सवाल आप पूछेंगे, मैं पूछू, आप पूछिए, मुझे पता चलेगा किस किस्म, पता तो आपको चलेगा, हम खेलने वाले, पता तो आपको चलेगा। पहला सवाल जो मैं मोमल से पूछने वाला हूँ वो ये है कि वो कौन सा ऐसा एक्टर एक्ट्रेस है जिसका जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट देखती हो तो आपको ये ख्याल आता है कि यार इसके इतने फॉलोअर्स क्यों हैं, कोई वजह तो दिखती नहीं है, क्या है, क्या क्यों है ये, कोई मेरे ज़हन में ऐसे नहीं आती, ऐसा नहीं होता। आई स्वेयर, किसकी कसम खा के बोल, पर ऐसा होता है, हैरत भी हो जाती है। नहीं, हैरत होती भाई। ओके, मोमल को मैं बताऊं क्या खाना है? But you have to give answer. No, but answer to something that कि मेरे ज़हन में वो आए और मैं नहीं बता पाऊँ। हाँ, that's the case. काश हम आपके ज़हन में बैठ के ये शो लिख सकते, हम ज़रूर ऐसा करते, लेकिन हमें क्या पता? इसके इतने फॉलोअर क्यों है, देखिए अदायगी में मेरा टोन समझ आ रहा है आपको, इतने फॉलोअर्स क्यों है? हाँ भाई, बचा क्या है, मैं वकार, तुम्हारे इतने फॉलोअर्स क्यों है, कौन है वो, कहाँ है वो? उमेर वकार, he's a very famous makeup artist of our country. Okay. Yeah. उमेर, but तुम्हारे इतने followers क्यों हैं? क्यों हैं? हाँ. क्यों हैं? सोच के बोल रही है कि इससे मेरी equation है, इसको मैं समझा लूँगी, है ना? अब guys, you can't put everything on my. आप बोल गई हैं कि मैंने सवाल के शुरू में ही कहा था कि वो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसका अकाउंट देख के वहाँ क्या बात है? खेलने की कोशिश क्या नाकाम बनी है भाई, वाह। अच्छा बोलिए शेरी,
देखिए आप भाई के नाम नहीं ले सकती, मेरे भाई का नाम, पापा का नाम नहीं ले सकती। शेरी की बात कर रही हूं, शेरी शरोज सब्जवारी। अच्छा, आपका इतने सारे फॉलोअर्स कहाँ से आए हैं? मैंने टैगिंग की थी उसकी वजह से तो नहीं, कहीं या कहीं सदफ की वजह से तो नहीं? ऑलराइट, हो गया, ठीक है, हो गया, अच्छा हो गया, सही हो गया। शेरी, वी लव यू मैन। क्योंकि रूल है, रूल कहाँ है? एक एक्टर जिसे आप एक्टिंग का क्रैश कोर्स देना चाहते हैं? बहुत सारे एक्टर्स, क्यों नहीं देना चाहूंगा मैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत बुरी लगती है आपको। ये आपने, आपको लग रहा है? नहीं नहीं, आपको क्या लग रहा है कि, सवाल आप जरा दोबारा सुने मेरा। कोई एक्टर जिसको आप क्रैश कोर्स देना चाहते हैं एक्टिंग की, जिनकी एक्टिंग आपको नहीं समझ में आती, बुरी लगती है, कुछ कमी लगती है, कमी नहीं, कुछ जान नहीं है, बहुत बुरी है, बुरा है। गाली भी निकाल दूं साले का भी? मैं कभी गाली नहीं देती। उसी को इंसान कहेगा ना, वो सजेस्ट करेगा जिसके बारे में लगेगा कि यार इसको जवाब दें आप, आगे पीछे बात ना करें, टाइम नहीं है हमारे पास, आगे पीछे बात ना करें। टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन, टिक टिक। अच्छा, मैं कुछ खा लेता हूँ, लेकिन ए रुक रे, रुक, चले जी, आगा अली ने जवाब नहीं दिया, हरी मिर्च खा ली। जो मैं करूंगा ना, अब मुझे देखना कि हरी मिर्च खाने के बाद आगा कौन से सवाल पूछेंगे। ओह, मेरी टेबल टूट जाएगी ऐसे। मम्मी, जिसके साथ आपने काम किया हो और अब आप कभी दोबारा उससे काम नहीं करना चाहती? नहीं काम करना चाहती। यार ऐसा कोई को एक्टर नहीं है। होगा, सोच ले। आगा अली, मेरा नाम नहीं ले सकते आपने खानदान का मना किया। That's so convenient. यार एक तो मैं बहुत, एक तो एक सेकंड, हम रूल्स प्लीज डिसाइड कर लेते हैं। प्लीज, didn't he say खानदान? You're not my खानदान from India. I know. You are Ali, I am Sheikh, and the खानदान is Sheikh and Sabzwari. आप ना शेख है ना आप सब्जवारी है, इसलिए चबा के खान, मैं अपनी मर्जी से देता आपने मुझे मिर्ची दिया तो मैंने पकड़ा दिया, तो दूर था इसलिए। ऑलराइट जी, मोमल ने नहीं दिया, बहुत सारी तालियां मोमल के लिए। और ये देखिए, ये एक्ट्रेस है जो न्यूज में बने रहने के लिए या वायरल रहने के लिए खुद से ऐसी बातें करता रहता है कि वो खुद से बातें करते रहता है? ऐसा कोई बंदा नहीं जो खुद से बातें नहीं, मतलब खुद से बोलता रहता है हर जगह जान पूछ के कि वो न्यूज में बना रहा है, खुद से बोलता रहा है, हेलो कैसे हो तुम, वायरल होना चाहते हो, वायरल होना एक्टर जिन्होंने बुरी परफॉर्मेंस से पूरा
कैरेक्टर तबाह कर दिया हो? एक समझ आ गया आपको सवाल, जवाब दे। कोई कैरेक्टर जो किसी एक्टर ने बहुत बुरी तरीके से, और बहुत खूबसूरत कोई कैरेक्टर था, क्योंकि बहुत ही बहुत खूबसूरत, क्या मतलब फूल का, फूल का कैरेक्टर था यार, बहुत अच्छा था ना। मार्जिन हर कैरेक्टर अच्छा नहीं है मेरे पास लव्स तुम्हारी तरह, तो मैं क्या करूं। हर कैरेक्टर अच्छा होता है अगर अच्छे से निभाया जाए तो। मैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से निभाया। जरूर मैं अभी बताता हूं। ईट समथिंग। नो नो, आई विल आंसर दैट। आई मीन जस्ट गिव मी अ सेकंड। थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन ये मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाना। ये खाने वाला है नहीं, डेकोरेशन के लिए खाने वाला। ओह गॉड, दिस इज डेडली। सॉरी, टू बैड टू से, टू सैड, टू बैड टू सैड। ये खाने वाला आइटम है नहीं। ये मैं कह रही हूँ, ये रखा किसने? हाँ, ये रखते भी नहीं हम। शो किसका? हमें जिंदा रहना है। सेट किसका? चीजें किसकी? ये हमारी नहीं है। किसका? ये हम घर से नहीं लेके आए। रोल किसका? तभी तो बता रहा हूँ, ये खाने वाला नहीं है। अल्सर थोड़ी करा लेंगे। एक्सक्यूज मी। अच्छा ठीक है यार। सबसे बुरा अगर इस टेबल पे कुछ पड़ा है तो वो ये है। I saw that. इतने में तो बहुत पता चल जाएगा, हल्दी से भरा हुआ है वो, है ना? मजा आया ना इतने में? इतना मजा आया तो सोच मेरे को कितना मजा आया होगा। ओके जी, बहुत ही मैं तारीफ करना चाहूंगा मोमल की। इतने मजे से वो ये सब खा पी के खुश हैं और बहुत ही अच्छा खेल रही हैं। आखिरी सवाल है, मैं ज्यादा कोई हार्ड मैंने पूछ लिया आपसे, हार्ड कोर में अब मेरी बारी आखिरी। पहला सवाल मैंने किया था ना, मिर्च मसाले में मुझे लगता है मेमोरी लॉस हो जाता है थोड़ा सा। यही लग रहा है। अच्छा ओके, आखिरी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कोई मैं नादिर कसम से मैं बिल्कुल इजी सवाल पूछ रहा हूँ कि वो कौन एक्टर या एक्ट्रेस है जिसको खुद से बहुत शौक है न्यूज में रहने का, इसलिए वो ऐसी वैसी बातें करता रहता है। ऐसी वैसी बातें करता रहता है इसलिए उसको शौक है न्यूज में रहने का, या यू नो वायरल रहने का। जवाब दूंगी, जवाब कौन हो सकता है? इब्राहिम का नाम ले ले। और कौन वैसे कौन है? ओके नाम मिल गया मुझे। ओके मिल गया जी। ऑलराइट जी, मोमल को मिल चुका है नाम जी। और कौन है वो? सवाल दोबारा बताएं जी। तो वो कौन है जो न्यूज़ में रहने के लिए या वायरल रहने के लिए या सोशल मीडिया पे? एक सेकंड, आई एम सॉरी। हां अब कौन है बोला, अब ये नहीं बोलेगा कौन एक्टर, अभी से सवाल बदल लो। कौन एक्टर, कौन एक्टर या एक्ट्रेस है जो न्यूज में बने रहने के लिए या वायरल रहने के लिए खुद से ऐसी बातें करता रहता है कि वो खुद से बातें करते रहता है? ऐसा कोई बंदा नहीं जो खुद से बातें नहीं, मतलब खुद से बोलता रहता है हर जगह जान पूछ के कि वो न्यूज में बना रहे। खुद से बोलता रहा, हेलो कैसे हो तुम, वायरल होना चाहते हो, ऐसा ऐसा भी अगर कोई है तो बता दो यार, हमें हमें मजा आएगा जान के। ऐसा कोई नहीं है। तो कौन है वो जो जान पूछ कर ऐसी बातें करता है? Just because I need to give a name and you are my friend and you will understand. No, Fanani! रहने जी, भाई गौर रशीद, आपको क्यों इतना शौक है न्यूज में रहने का और वायरल होने का? इसका सवाल रिसेंटली वो किस वजह से थे न्यूज में? Recently, कौन सी वजह से थे न्यूज़? सही बात है, मैंने तो उसको कभी नहीं, बेचारे को मैंने तो नहीं कभी ऐसे देखा सुना जाना यार। ठीक हुई गौर रशीद को बदनाम करने की ये नाकाम कोशिश की गई है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी तालियां मोमल और नादिर के लिए। जबरदस्त खेला। I love you God, I love you। ये काट देना, काट देना, काट देना। Yeah, but thank you so much कि आप लोग आज आए।
बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया, स्पेशली गेटिंग टू यू, यू नो गेटिंग टू यू बडी, माशाल्लाह, वेरी वेरी हैप्पी, शी इज अ लकी गर्ल. एब्सोल्युटली. एंड आई विश कि आप लोग हमेशा ऐसे ही साथ रहें, खुश रहें, एंजॉय करते रहें, और इंशाल्लाह अगले सीजन पे हम फिर आपको बुलाएं. बस एक चीज और माशाल्लाह आगा, जो जाते जाते मैं एक सवाल पूछूंगी नादिर भाई से एंड मोमल से. 10 साल हो चुके हैं शादी को. 11 years माशाल्लाह. तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज को हम बहुत ज्यादा दिखाना पसंद करते हैं, चाहे वो उदासी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो मोहब्बत हो. सो आपने जो चीजें मुझे नादिर भाई के बारे में हमने आज सुनी शो में, आई टोल्ड मोमल दैट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज दैट दिस ऑल इज सो प्राइवेट. यस. तो ये रखा है या ये ऐसे ही मैकेनिज्म खुद ही नेचुरली रहा? नेचुरली रहा है. कोई थिंकिंग नहीं है कि ये क्या करना है या क्या नहीं करना है, ये करना है या वो नहीं करना, ना इससे मुझे कोई रोक टोक रखी है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ना मैंने इसको कभी बोला कि नादर लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. सो इट्स ऑल नेचुरल. यही जिंदगी है, इसी तरह रहो. आई मीन बहुत कैसे कॉम्प्लिकेट ना करो इसे. ओके. इससे पहले के मोमेंट में इस और को मानना शुरू करते हैं, हमें रैप अप करना पड़ेगा ये शो. यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद वन मोर धमाकेदार कपल. बहुत सारी तालियां जाने से पहले मोमला नादे के लिए, और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक अपना ख्याल रखिए और बुरे कामों से बचिए, अच्छे कामों में अपने हाथ डालिए. और जाते जाते आगा हमें एक गाना सुनाएंगे. श्योर, क्यों नहीं जी. नच मजा जन, नच मजा जन, नच मजा जन, नच और नच मजा जन, नच मजा जन, नच मजा जन, नच और नच मजा जन, नच मजा जन, मजा जन, मजा जन, मजा जन, मजा जन, मजा जन.